वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ भैया अलग ही खेले। कोई टिकट ना मिल पाने के कारण नाराज है तो कोई टिकट मिल जाने के बाद भी पार्टी छोड़ रहा है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी या सपा में शामिल हो गए। इनमें से कई ने तो उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया। अब इसी क्रम में तरबगंज की कांग्रेस प्रत्याशी सविता पांडे ने हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। दरअसल गोंडा जिले के तरबगंज निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने मैदान में सविता पांडे को उतारा था और अब वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक बयान में कहा कि पांडे अपने समर्थकों के साथ यहाँ राज्य मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं पांडे ने कहा कि वो बीजेपी इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से प्रभावित थी। पांडे ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य की हर महिला को यह महसूस हुआ है कि वे केवल बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकारों की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हो रही हूं। बता दें कि इससे पहले अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हुई थी, तो बीजेपी कहने लगी कि भैया महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के राज में ही सुरक्षित हैं। और अब एक महिला नेत्री ने भी इस तरह का बयान दिया है। जहाँ एक तरफ दीदी इस नारे के साथ मैदान में उतरी है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, और ये कहा जा रहा है कि दीदी इस चुनाव में लड़कियों के यानी महिलाओं के भरोसे ही सत्ता का सूखा खत्म करने की कवायद में लगी है, तो दूसरी तरफ महिला नेत्री ये कह रही है कि राज्य की हर महिला को ये महसूस हुआ है कि वो केवल बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी सविता पांडे पर काफी विश्वास किया करती थी, इसलिए उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया, उनके हाथ में टिकट थमा दी गई थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि इस चुनाव में 40% कांग्रेस उम्मीदवार महिला होंगी, यानी कि महिलाओं के उस पर ही राजपाट चलेगा। इसी के तहत सविता पांडे को मौका दिया गया, लेकिन वो ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि सविता पांडे ऐसी कोई पहली उम्मीदवार या नेता नहीं है जो इस विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो गई हो। इससे पहले घोषित उम्मीदवारों में मनीष जायसवाल, हैदर अली खान, सुप्रिया एरेन कांग्रेस छोड़कर सपा में हुए, वहीं बीजेपी समेत अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। वहीं बड़े नेताओं की बात की जाए तो आरपीएन सिंह बीजेपी और इमरान मसूद सपा में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कैसे लड़ेगी और किस प्रकार से चुनाव में अपना प्रदर्शन कर पाएगी और कैसे जनता का भरोसा जीतेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।